नमस्कार, मैं हूं अनुराग। आप देख रहे हैं मेरे साथ बेबाक बात। आज मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित विधायक आरिफ मसूद साहब हमारे साथ में। आरिफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरिफ जी, आपकी चर्चा लोग विवादों से शुरू करते हैं। अब लोगों को लगता होगा मैं अपने काम को काम के तरीके करता हूं, लोग उसको विवाद बना लेते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं अपनी जिंदगी के जो मैंने अपने राजनीतिक जीवन में देखे, जिसको लोगों ने विवाद कह दिया। वो विवाद नहीं थे, एक आंदोलन थे। उस आंदोलन को विवाद से जोड़ दिया जाता है। सच बात कहो उसको विवाद बना दिया जाता है, यही है और कुछ नहीं। अच्छा, एक नया जब आप विधायक बने उसके बाद एक बात और कही गई कि आप खास करके मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर आप विधायक बने और मुस्लिमों के लिए काम करते हैं। ना, ये चीज़ को तो मैंने बहुत ताकत से तोड़ा और मैंने अपनी विधानसभा में बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे जो जनता थी उसको ये मैसेज देने का प्रयास करा कि मैं सबका चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ और जब सब ने मेरे पर विश्वास करा है तो वो मुझ पर पूरी तरह से विश्वास रखें। और जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैं सबसे बोलता था, तब बीजेपी वाले बहुत पोलराइजेशन करते थे और मेरे लिए इस तरह की बातें करते थे, तो मैं उनसे कहता था कि मैं एक ईमानदार मुसलमान हूँ, आप ट्रस्ट करिए मैं काम करूँगा। और आज आपको 4.25 साल बाद ये बताते हुए मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं कि मेरी विधानसभा में कोई दिवाली कोई त्यौहार ऐसा नहीं गया। और जो लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो मैं करोना का उदाहरण याद दिलाता हूँ कि करोना में शिवराज जी ने राखियाँ रोकी थी तो आरिफ मसूद ने एक भाई और एक बेटे के नाते घर घर राखी पहुँचवाई थी। तो अब इसमें कहाँ आ गई रहा सवाल समाज की बात करना, तो नो डाउट कि अनुराग जी, जब मैं जिस समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ और जिस समाज से आता हूँ, अगर उसके ऊपर अत्याचार होगा, जुल्म होगा, तो स्वाभाविक बात है कि मुझे बोलना है। अब मेरे उस बोलने को ये इस दिशा में बांटे तो इनकी सोच होगी, मेरी नहीं। नहीं, आरोप ये होता है। मैं आरिफ मसूद के बारे में आपको बता दूं कि आरिफ मसूद जब छात्र राजनीति से आप आए तो शायद आपके साथ सबसे ज़्यादा हिंदू जो छात्र नेता थे आपके साथ थे। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा थे और अभी भी मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। मुझे चुनाव लड़ाने वाला आनंद सेंगर है, मेरा चुनाव का पीछे से कैंपेन करने वाला, मेरा प्लान करने वाला गौरव अवस्थी है। तो आज भी मेरे पास बहुत सारे नाम है, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो मैंने कहा ना कि ये लोग जो बांटने वाली बातें करते हैं इनके दिमाग में ये चीज़ें होंगी, मेरे दिमाग में ये नहीं है। तो ये करते हैं, बीजेपी करती है वहाँ तो समझ में आता है। कई बार ऐसी बातें कांग्रेस के भी जो अलग अलग खेमे उनसे भी सुनाई देती है। जिनको मुझसे भय होता है तो वही लोग ऐसी बातें करते हैं और होना भी चाहिए, अच्छा है। कम से कम भय तो रहना चाहिए इन लोगों पे कि कोई ज़िंदा है तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। अब आपके इलाके की आप बात कर रहे थे तो उस क्षेत्र में पहले कभी दंगे भी होते थे, सब होते थे, तब आपका नाम कहीं कहीं जोड़ दिया जाता था। कोई झगड़ा होता था तो आरिफ मसूद का नाम आ जाता था। देखिए, उसी जगह पे आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई अनुराग भाई। आज शाहजहाँबाद में सबसे ज़्यादा झगड़े एक टाइम में हुआ करते थे जब मेरे को उस पर बनाया गया। आज 15 साल से मालिक का करम है, मेरा पूरा इलाका बहुत अच्छे वातावरण में और बहुत अच्छे से चल रहा है, ना विवाद होता है, सबके बीच सामंजस्य बन गया, विवाद की स्थिति खत्म हुई। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो लोगों को मुझे क्वेश्चन करने के लिए ज़रूरत पड़ती होगी एक इंस्ट्रूमेंट की, तो वो उसको हिंदू मुस्लिम के नाम पे मेरे खिलाफ़ इस्तेमाल करते रहे होंगे। वही वजह रही होगी क्योंकि अब मैं बहुत उन लाइनों से अलग निकल गया तो अब आवश्यकता नहीं है। तो एक, एक जब 80 और 90 से भी तक और 95 तक एक आरिफ मसूद थे, एक उसके बाद आरिफ मसूद थे, तो इस अब जो आरिफ मसूद है उसमें काफ़ी मैच्योरिटी आ गई है, चीज़ों को समझने लगे हैं और राजनीति को राजनीति की तरह करने लगे हैं। अब ये बात तो सच है कि एज फैक्टर होता है, लड़के थे तो उस टाइम कोई बहुत गंभीरता नहीं रही होगी, तो उद्दंडता भी की होगी, काली दौर में छात्र राजनीति में हो जाती थी। लेकिन अब लगता है कि डे वाइज डे जब जिम्मेदारियाँ आती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो ऐसा एहसास होता है। अब आज बार बार ये डर लगता है क्योंकि सबकी हम सबकी ताकत है, मालिक आसमान वाला है, तो मुझे उसकी जवाबदेही का डर 24 घंटे रहता है और उसके यहाँ जवाब देना है तो किसी एक समाज का नहीं देना है, प्रत्येक इंसान का देना है, तो वो भय रहता है। तो थोड़ा सा ऐसा परिवर्तन लगता होगा कि वो तो रहता है कि सबको कैसे साथ जोड़ूं। आपको खुद में लगता है कोई चेंज आया है? हाँ, बस एक बार बात यही दिमाग में बार बार आती है कि ऊपर वाले के यहाँ अगर कभी सवाल हुआ कि कोई मेरे यहाँ से परेशान चला गया, कोई अपना काम लेके आया मैं नहीं करा पाया,
या मैं कुछ कर सकता था और उसकी मदद नहीं कर सका तो मेरे लिए दुश्वारी होगी। तो वो प्रयास में लगा रहता हूँ, बस इतना ही अंतर है। बाकी स्वभाव तो पहले भी काम करने का था, आज भी काम करने का। एक नारा बड़ा चला भोपाल में कि एक ही आरिफ रहेंगे भोपाल में। नहीं, दो हैं और इंशाल्लाह दोनों रहेंगे। पहले तो बड़ी चर्चा थी इस बात की। अब वो खत्म हो गई, विधानसभा के परिसीमन हो गए तो एक उधर हो गए। इतना ही झगड़ा था, मध्य में लोगों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, चुन लिया, झगड़ा खत्म हो गया। और मालिक से यही प्रार्थना है कि दोनों ही रहें। अब क्या लगता है, 1 साल बाद फिर चुनाव होना है, मध्य की स्थितियां क्या हैं? आपके खिलाफ देखिए खूब, मैं, हाँ बिल्कुल, आपके खिलाफ लामबंद भी हो रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी हो रहे हैं, बीजेपी के तो हैं ही। देखिए मेरे पे कांग्रेस के लोग तो बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा कहना गलत है, क्योंकि ये तो चुनाव था, नगर निगम चुनाव। वैसे ही इसलिए लोग कहने लगे होंगे कि नगर निगम चुनाव में हर वार्ड में एक जगह 10 लोग टिकट मांग रहे थे, तो जाहिर है कि टिकट तो एक ही को मिलना था, पार्टी की तरफ से एक ही को दिया। तो जब एक को देंगे तो 4-5 लोग तो मान गए, 2-4 लोग लड़ लिए। तो जो लड़ लिया तो वो स्वाभाविक है कि उसकी अपनी टीस होगी तो वो मुझे कुछ बुरा कहने का प्रयास करेगा, लेकिन ये उसका निजी मामला होगा, जनता के बीच ऐसी कोई बात नहीं। और बहुत सीधी बात है कि मैंने भी कोई डोयल कैरेक्टर नहीं रखा, जो एक्सेप्ट करना था, जिनको टिकट मिले तो अमूमन नेता करते हैं कि हमने नहीं दिया, पार्टी हाईकमान ने दे दिया, मेरी नहीं चली, मेरी ये नहीं चली। तो मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ, मैंने उनको स्पष्ट बोला कि आपको मिल पाएगा और आपको नहीं मिल पाएगा। तो वो सच बोलने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें सुनना पड़ती हैं, सुनते हैं, उसे कोई परेशानी नहीं है, जनता साथ रहे, मालिक है आसमान वाला साथ रहे, बात करते। क्या लगता है 30 में स्थिति क्या बनेगी? अब कांग्रेस की सरकार बनेगी, बहुत मजबूती के साथ बनेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। उसकी वजह बड़ी साफ है कि पूरी जनता ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी पे भरोसा करा और 15 महीने में, 4-5 महीने चुनाव में निकल गए, 11 महीने की सरकार में जो किसान का पैसा माफ़ करा, जो जनता के अच्छे काम थे उत्थान के, उसको कमलनाथ जी ने आगे बढ़ाया और हमारी सरकार पैसे के दम पे गिराई गई। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मालिक के यहाँ से इंसाफ मिलेगा और मालिक ने चाहा तो वापस कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे। आरिफ मंसूर साहब कह रहे हैं कि 2023 के जब परिणाम आएंगे तो कमलनाथ मध्य प्रदेश के एक बार फिर से मुख्यमंत्री होंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। एक बात और उन्होंने कही कि पैसे के दम पे सरकार गिराई गई। इस मसले पर हम इस बातचीत के दौर को जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले से एक छोटा सा ब्रेक। कंटिन्यू। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरे साथ इस समय कांग्रेस विधायक आरिफ मंसूर साहब हैं। आरिफ जी, ये आरोप लगा कि पैसे से सरकार गिराएगी, लेकिन कोई सबूत इसके कभी नहीं आ पाए सामने। सबूत बहुत सारे कोरोना में दिख गए, सबूत ऐसे दिख गया कोरोना में कि जो ग्वालियर के हमारे नेताजी थे जिन्होंने पूरा करा, तो उनके लोगों ने खुद ही कहा, क्योंकि तो जब स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिली तो सोशल मीडिया पे आया, वो लोगों ने कहा कि ये हुआ है। जो एजेंसी कोरोना की जांच एजेंसी थी, किसने टेस्टिंग करी, वो कहाँ से आई, वो किट्स कहाँ से आई, बहुत कुछ चीज़ें खुलासा हुआ है, किस किस की डील कैसे हुई। तो अब बहुत सारे सबूत तो ऐसा नहीं होता कि सामने ही आ जाएं, लेकिन बहुत सारे समझे भी जाते हैं। ये भी कहा गया कि सिंधिया साहब ने कांग्रेस छोड़ी, आपने ग्वालियर की तरफ इशारा किया है, तो दिग्विजय सिंह जी से परेशान होकर वो छोड़ के चले गए, उनके लोगों की सुनवाई नहीं हो रही थी, इस तरह की भी बातें सामने आई। अब देखिए कांग्रेस में मैं हूँ, मैं अभी आपने मुझसे कहा कि कुछ लोग मुझसे नाराज़ हुए हैं, हो जाते हैं, स्वाभाविक प्रक्रिया है कि एक बहुत बड़ा विशाल संगठन है कांग्रेस का, बरसों पुराना संगठन है, मतभेद होते हैं। लेकिन अगर उसका मुखिया आज कमलनाथ जी हैं, कमलनाथ जी से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, हमारे छोटे आपस में एक दूसरे के मनभेद हो सकते हैं, लेकिन कमलनाथ जी के लिए तो सब एक हैं, कमलनाथ जी सबके लिए एक हैं। तो राहुल गांधी जी तो सुन रहे थे ना, राहुल गांधी जी के अति महत्वपूर्ण लोगों में सिंधिया जी उसमें शामिल थे, क्यों इन्होंने ऐसा करा। और फिर बड़ा अनुभव भाई, आज देश को एक चीज़ तय करना पड़ेगी कि देश ये तय करे कि हमको सिर्फ सत्ता के लिए पॉलिटिक्स करना है। जो हमने दौर देखा, वो दौर हमने ये देखा कि सत्ता एक महत्वाकांक्षा होती है, एक इंसान का एक ये कह लीजिए कि एक उसकी ख्वाहिश होती है, वो चाहता है कि उसे कुछ मिल जाए अच्छा, लेकिन उस ख्वाहिश में एजेंडा नहीं बदला जाता। एजेंडा तो नफरत फैलाने वालों के खिलाफ था, एजेंडा तो इस बात का था कांग्रेस का, हमारा सबका, कि जो देश को बांटना चाहते हैं समाजों के आधार पर, हम उन्हें जोड़ना चाहते हैं। तो अगर महाराज को कोई शिकायत थी तो माननीय रात दिन राहुल गांधी जी से मिलते थे।
लेकिन मुझे लगता है उनको शिकायत नहीं थी, उनको सत्ता चाहिए थी, उसी वजह से काम तो सत्ता तो अभी भी उनको नहीं मिली, मिल गई ना, केंद्र में मंत्री बन गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं बनेंगे। भारतीय जनता मतलब मसला पार्टी तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का था। कांग्रेस में रहते तो शायद सोचा जाता, भारतीय जनता पार्टी में तो भूल जाए। आपके तो तमाम सारे मित्र बीजेपी में चले गए, वो क्या बताते हैं बीजेपी में जाके, संतुष्ट हैं खुश हैं? आधे रोते रहते हैं, आधे कहते हैं महाराज ने मरवा दिया। तो कभी बातचीत नहीं होती कि किस तरह मरवा दिया महाराज ने, खुद की बुद्धि काम नहीं की थी क्या? बुद्धि बुद्धि अगर इस्तेमाल करते, मैंने कहा ना कि दो तरह की सोच के लोग हैं देश में, एक सोचते हैं उन्हें कुछ मिलता रहे बस, कैसे भी हम चुनाव जीतते रहे, हमें सत्ता बनी रहे, हमारे पास सरकार रहे, हमारे पास सब सिस्टम रहे, और एक सोच होते हैं जो देश और बच्चे और नौजवान और हर एक वर्ग के लिए सोचते हैं। तो इतने ही खेल। तो अब वो जो बहुत सारे मेरे मित्र ज़रूर है, लेकिन उनकी सोच और मेरी सोच में थोड़ा अंतर है। अभी केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में छापेमारी की, देश में कई जगह चल रही है संस्था PFI, उसको लेके क्या सोचते हैं आप? कहीं गड़बड़ करती हैं इस तरह की मैंने संस्था? अभी एक बयान दिया, और मैं इस मामले में आपने बहुत अच्छा सवाल अनुराग भाई करा, ये देश को एक सोचने वाला प्रश्न है। अभी के दौर PFI के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि इनका NIA इल्ज़ाम लगाती है कि ये संदिग्ध गतिविधि में पाए जा रहे हैं, इनकी संस्था से देश में खतरे की संभावना बढ़ रही है। मेरा आपके माध्यम से सवाल है कि फिर PFI को केंद्र सरकार बैन क्यों नहीं कर रही? अब ये बैन करने में जितनी देरी करेंगे, या उनके पास सबूत है तो स्पष्ट करें, क्योंकि एक बड़ा सवाल उठता है, इल्ज़ाम लगाना। अभी क्या हो गया, ED हुई, CBI हुई, NIA हुई, इल्ज़ाम लगा देते हैं। भाई आपने इल्ज़ाम लगाया, आप उनके खिलाफ कोई प्रूफ है तो एक बार दो, देने के बाद तत्काल उस पर बैन करो, हम सब आपके साथ, हम सब कहेंगे बंद करो। इसलिए बंद करो कि इससे हमारे समाज के आने वाली जनरेशन का भी बड़ा नुकसान है, क्योंकि ये संगठन आपका जब आपकी तरफ से अधिकृत है, उनके जिलों में कार्यालय खोलना है, नौजवान बच्चा लड़का हर एक का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, उसको लगता है इस संगठन में जाना है वो चला जाएगा, और जब कल आप बैन करोगे तो कितने परिवार उसमें बर्बाद हो जाएंगे, तो देश का भी नुकसान, समाज का भी नुकसान। तो अगर इनके पास सबूत हैं तो NIA को दे के तत्काल बैन कराना चाहिए। वैसे लंबे समय से आरोप लगते रहे, और कई संस्थाएं, सिमी के लोग भी, दिग्विजय सिंह, आप लोगों की सरकार थी दिग्विजय सिंह जी की, तब सिमी के पर पहली बार कार्रवाई मध्य प्रदेश में हुई, उसके बाद बीजेपी की सरकार ने भी की। तो क्या सोचते हैं कि अब मुस्लिमों को भी थोड़ा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, ऐसी संदिग्ध गतिविधि जो गतिविधियाँ करती हैं संस्थाएँ, उनसे बचा जाए? देखिए, मुस्लिम्स के जितने बड़े धर्म गुरु हैं बराबर बयान देते हैं समय समय पे, और मैं भी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये दरख्वास्त करूँगा मुस्लिम समाज की न्यू जनरेशन से कि किसी, उनको उनका अपना अधिकार है, वो जिस संगठन में जाएँ, जो उनकी ख्वाहिश है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली वो ये देखें कि वो संगठन कोई गलत काम करना या गलत दिशा में ले जाने वाला संगठन तो नहीं है, जिससे देश का, शहर का नुकसान होता हो, ऐसे संगठनों से उन्हें बचना चाहिए। और देश, मुझे लगता है कि देश और शहर के साथ जो इस्लाम को जानते हैं, समझते हैं और मानते हैं, उनको भी संदिग्ध बना देता है कई बार ऐसी गतिविधियाँ। हाँ, वो हो जाता है ना, और ज़्यादा सेंसिटिव होने की जरूरत होता है ना, जैसे जिहाद एक नाम दे दिया, अब आपने देखा आजकल लव जिहाद चल गया, क्या होता है? इस्लाम में तो जिहाद का कोई कहीं तक सिंबोलिक हमने तो नहीं पढ़ा, जो हमारे बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, हमने उनसे पूछा कि जिहाद का कंसेप्ट भी बताइए, लव जिहाद क्या है, उनने तो कभी नहीं बताया। जो जिहाद का ये लोग जिक्र करते हैं, वो जिहाद का इस दुनिया से अब कोई वास्ता ही नहीं, जिस दौर का जिहाद का ये लोग जिक्र करते हैं, लेकिन एक नाम दिया तो उससे पूरे समाज को शर्मिंदगी होती है, बहुत ज़्यादा जगह पर लोगों को दूसरों के सामने डिबेट में नीचा देखना पड़ता है, तो ऐसी चीज़ों से बचना तो चाहिए। आपके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, आप उनको कैसे सलाह देते हैं? क्योंकि बीच में बड़ी चर्चा हुई थी, एक बीजेपी के नेताजी का मसला आया तो उसमें आपका नाम जोड़ दिया गया कि लव जोहाद से जुड़ा हुआ मसला है। जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ पूर्व विधायक की तरफ आप कर रहे हैं, मैं अभी उनकी तबीयत, मालिक तबीयत ठीक करे, मैं उनको देखने गया था, और मैंने उस समय ये कहा था कि किसी की भी बेटी हो, मेरी भी बेटी है, और जब आदमी अपनी बेटी कह के किसी को संबोधित करता है तो मैं नहीं समझता कि वो उस बेटी का कभी बुरा चाहेगा या उसका भविष्य ख़राब करेगा। तो कोई आदमी किसी बेटी के लिए बुरा नहीं सोच सकता, तो उनको एहसास हुआ, और अभी जब मैं देखने गया तो उनकी आंख में आंसू भी था उस बात को लेकर, मैंने उनसे ये शब्द कहा, उनकी आंख में आंसू भी था, तो
वो उनकी गलत सोच थी, मैं कभी किसी की बच्चों के लिए गलत नहीं चाहता। और मैं आपके माध्यम से भी ये बच्चों से कहूँगा कि सब स्वतंत्र हैं, कानूनन अधिकार है अपना जीवन जीने का, लेकिन माँ बाप भी बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, तो माँ बाप की प्रेरणा से ही वो अपना कदम अपने अगले जीवन का उठाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि वो उनके लिए साथ हर होगा। और ये विवाद भी खत्म है। विवाद तो है ही नहीं, विवाद तो देखिए प्रेम से विवाद का कोई ताल्लुक ही नहीं है, उस पर तो अगर हम जाएंगे तो लंबी चर्चा हो सकती है, प्रेम और विवाद का क्या चलिए हम राजनीति की बात करते जी। हैं। अगला चुनाव किन मुद्दों पे होगा? आप चुनाव लड़ेंगे यहाँ से, कांग्रेस पूरे प्रदेश में लड़ेगी, क्या मसले होंगे? हम लड़ेंगे कि जो हमारे साथ धोखा हुआ, चुनी हुई जनता ने हमको चुनकर सरकार में भेजा था, हम जनता का बहुत सारा काम करना चाहते थे, 15 साल बाद परिवर्तन चाहा था, तो जिन लुटेरों ने हमारी सरकार लूटी उसका जवाब देना। इस पे तो जवाब आ गया मुझे लगता है, जब 28 चुनाव हुए उसके बाद के चुनाव नहीं, हुए। वो परिस्थिति दूसरी थी, देखिए उसमें मुख्यमंत्री बन चुके थे और सत्ता के दम पे 28 के 28 तो नहीं जीती बीजेपी ने, 28 में से भी आप हारे हो, 8 हम जीते, तो परिणाम उसको नहीं मानिए, वो परिणाम से 28 नहीं, लुटेरों का जवाब इस बार होगा, कोरोना का जवाब भी अब होगा, रहा सवाल भोपाल का और मेरा, मेरी व्यक्तिगत विधानसभा का, तो मैं तो 5 साल पूरे करके जनता से इजाज़त मांगूंगा, अगर जनता चाहेगी कि लड़ो और मैं लड़ने लायक हूँ और वो चाहती है कि मैंने अच्छा काम करा है तो बिल्कुल मैदान में रहें। और करप्शन के इशू लगता है मध्य प्रदेश में आपकी पार्टी बड़े जोर शोर से करप्शन का मसला हर रोज उठाती है। तो करप्शन ही करप्शन है, दिल्ली से लेके यहाँ तक बचा क्या है, जो काम पहले 2-4 हज़ार में गरीब करा लेता था आज 10-20 हज़ार में करा रहा है, मंत्री के पास पहुँच जाओ तो पैसा और बढ़ जाता है, ये आम जनता कहती है, हमारे पास रात दिन आते हैं लोग, आप बैठिए हमारे ऑफिस आके, जब लोग आए तो उनकी सुनिए, कहते हैं साहब हम पहले गए थे कलेक्टर साहब के यहाँ गए थे, तहसीलदार साहब के यहाँ गए थे, हमारा काम 5 हज़ार में हो रहा था, हम नेताजी के घर चले गए मंत्री जी के, भोपाल में 2 मंत्री ऐसे बैठे हुए हैं जिनके घर चले जाइए आप, एक प्रोटोम साहब थे, एक और मंत्री जी घर चले जाओ आप, तो 5 हज़ार का रेट 50 हज़ार हो गए। ये प्रोटेम साहब रामेश्वर शर्मा, इनसे भी आपका बड़ा 36 का आंकड़ा चलता रहता है। नहीं, एक बयान छत्तीस आपकी तरफ से आता है, एक बयान उनकी तरफ से आता है। रामेश्वर शर्मा का तो आजकल दिमाग खराब हो गया, उसको थोड़ा सा मन बुद्धि का हो गया वो, तो मुझे कुछ ऐसा लगता है, कुछ भी ऊटपटांग भगता रहता है, उसको तो डर है ना सिर्फ उसकी विधानसभा का खतरा है, उनके पीछे उन्हीं के संगठन के माननीय लग गए, वो चाहते हैं उनकी इच्छा लड़ने की, तो वो तो भय के मारे डर के मारे कुछ भी ऊटपटांग बयान देना, मैंने कभी ऊटपटांग बयान नहीं दिया, तो जो बात है तर्क के साथ करता हूँ। जब आप लोग कभी मिलते हैं, सदन में मिलते हैं, विधानसभा में मिलते हैं, और जगह मिलते हैं, तब भी क्या तलखियां जारी रहती हैं? नहीं, साधारण जीवन में एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना कोई बुरी चीज़ नहीं, एक अच्छे संस्कार, अगर सामने मिलेगा आदमी तो हम भी आदाब करेंगे वो भी करेंगे, ये उनकी इच्छा है वो करें ना करें, हमारे संस्कार तो ये हैं जो बड़ा दिखेगा हम तो आदाब कर लेंगे, नहीं, तलखियां हैं कहीं? इश्यूज़ पे तो रहती हैं वो रहेंगी, नफ़रत करने वालों से दिल कैसे मिल सकता है, वो नफ़रत की बात करें हम मोहब्बत की बात करें तो दोनों नफ़रत और मोहब्बत का तो जोड़ हो ही नहीं सकता, ये ख़त्म होगा तो नफ़रत ख़त्म करना पड़ेगी, मोहब्बत जीतेगी। अच्छा, विधानसभा में कुछ ऐसे काम हैं जो 4 साल निकल गए, 5वां साल भी गुजर जाएगा, कि नहीं कर पाए हो, उसका मलाल हो कि ये काम मैं नहीं कर पाया? ये बहुत अच्छी है, बहुत बहुत मलाल है मुझे, मेरी सरकार जाने का बहुत मलाल है कि मेरी विधानसभा का मेरे शहर का बहुत बड़ा नुकसान है, मेरे 3 अस्पताल 30-30 बेड के, एक मल्टियों में 12 नंबर, एक जहांगीराबाद में, एक MLB कॉलेज के पास जगह, मैंने जगह भी ले ली थी, मुझे जगह भी कलेक्टर ने दे दी, प्रपोजल भी चले गए, अप्रूव हो गए, लेकिन वो शुरू नहीं हो सके, ऐसे बहुत सारे 2-3 काम हैं जो होना चाहिए थे वो नहीं हो पाए, और मुझे लगता है अभी साल भर है, प्रयास तो करूँगा आखिरी तक, नहीं हुआ तो मालिक ने चाहा अगली सरकार होगी हम लोग होंगे तो शहर की जनता को ये सुविधाएं दिलाएंगे। ये थे आरिफ मसूद साहब, जिनको पूरी उम्मीद है कि 2023 में फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में नज़र आएंगे। आपको हम तो सिर्फ शुभकामनाएं दे सकते हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने दखल न्यूज़ आके अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। आज बस इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज़, नमस्कार। The
What starts here changes the world of opportunities, the world of inspirations. We are LNCT Group, where every beginning changes the world, providing the best results, highest packages, and delivering the best manpower to the biggest companies in the world. LNCT Group, choose the best to be the best. For admissions, call 7440-777-111. Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development, with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. देख रहे हैं दखल न्यूज़।